नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे और राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा में एक बार साफ साफ एक बात बता रहे थे कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा ये राजनीतिक नहीं है, ये भारत जोड़ा भारत को जोड़ने निकले थे। लेकिन आपको आज इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि राहुल गांधी का ये जो यात्रा थी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जा रही थी और कश्मीर में जो तिरंगा वाला खेला है और कश्मीर में जो बड़ा खेला था जिसमें 21 दलों को न्योता भेजा गया है, 30 जनवरी को वो वहां पर सम्मिलित होंगे। और क्या है आखिरकार यहां पर तिरंगे वाला कांड? आपको बता दें, श्रीनगर में तिरंगे वाला कांड, और सबसे हम इसमें आपको बता दें 370 को कांग्रेस कहती है वापस लाएंगे जब सत्ता में आएंगे, और वही कांग्रेस श्रीनगर से पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाह रही है वो आपको दिखाएंगे। और एक बड़ी डील जो आपको दिखेगा भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को, देश के विरोधियों को एकजुट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। आप रुकिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, और इस वीडियो में कईयों की मौतों की सुपारी क्या राहुल गांधी ने लिया है उसको भी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन श्रीनगर वाला खेला जो है वो आप सभी के सामने देखेगा। अनुरोध करेंगे राहुल गांधी की इस नई तपस्वी वाली जो है वीडियो को और इस खेला वाली वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने के बाद वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस पूरे के पूरे वक्तव्य से चीजों से सहमत हैं तब भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, असहमत है तो भी दीजिए। लिए चलते हैं अपने सहयोगी विश्वेश की तरफ। इससे पहले उनकी तरफ लिए चलें, सवाल यही कि आखिरकार जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे वो किसे जोड़ने निकले थे, जो भारत टूटा कहां से है, जिस भारत को सरदार पटेल ने 563 से ज्यादा रियासतों को एक करके सबको जोड़ के रखा, उसके बाद मोदी सरकार ने जिस नेहरू ने 370 खत्म करके कश्मीर को अलग कर दिया था उसको जोड़ के रखा, उसको वापस 370 वापस लेकर आया, उसको जोड़ा, पीओकी की बात कर रही है उस पर राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकलने का रहे हैं, कश्मीर पर चलेंगे। लेकिन शुरुआत विश्वास क्या कुछ कमेंट करेंगे कि हम चलेंगे उन मौतों की तरफ भी, लेकिन क्या कुछ कमेंट करेंगे जहां पर आप देख रहे हैं यहां पर आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं भारत तोड़ने पर ज़्यादा बिलीव रख रही है, क्योंकि इनके जो बयान आए हैं, इनके जो लोग मिले हैं, जो देश विरोधी लोग, विकास विरोधी लोग, जितने भी लोग इनके साथ रहे हैं, जो पहले किसानों के साथ थे अचानक एक पार्टी में हो गए, इवन सिर्फ नेता नहीं, सिर्फ यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताते थे वो लोग राहुल गांधी की यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। पत्रकार की उस यात्रा में सम्मिलित होने की क्या जरूरत? तो उनकी निष्पक्षता कितनी है और कितनी नहीं और किसकी तरफ है उनका जो वो है वफादारी है वो सब दिखता है, पब्लिक सब देख रही है। इस बीच राहुल गांधी चाहे जितना भी कह लें कि वो भारत जोड़ रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम 30 जनवरी को कश्मीर में झंडा फहराएंगे, लेकिन जनता का आज भी एक ही सवाल टिका हुआ है। सवाल ये कि 70 से 75 सालों में आपने झंडा नहीं फहराया, आपने कभी हिम्मत नहीं की, हिमाकत नहीं की कि वहां जाके झंडा फहरा दो। आज जब मोदी 370 हटाता है उसके बाद आप कहते हो कि हम कश्मीर में झंडा फहराएंगे, तो उससे पहले आपकी सरकार कहां थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद उनके पास क्या कोई नई पावर आ गई? पावर तो सारी वही थी जब इनके नाना थे उस पर, तब भी वही थी। अब इस पर शिक्षी जब कहेंगे, आपने देखा होगा कश्मीर में 21 दलों को बुलाया गया है, वामपंथी भी आएंगे, मैक्सिमम जो दल हैं जो वहाँ 21 तारीख 30 तारीख को आ रहे हैं, 21 दल जिनको इन्विटेशन भेजा गया है, उसमें मैक्सिमम दलों ने 370 के खत्म होने का विरोध किया था जी। और 370 खत्म होने का विरोध मतलब कि वहाँ पर क्योंकि कश्मीर में अलग झंडा दिया हुआ था, तो ऐसे में यानी उस झंडे का विरोध था, तिरंगे का भी कश्मीर में विरोध था, और ये लोग आकर के 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन करते हुए वो तिरंगा फहराने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो आखिरकार ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या ये तिरंगा को फहरा करके उनकी जो लोग जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो देश विरोधी लोग हैं जिनको यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पर मैसेज दे रहे हैं कि ये वही तिरंगा है जिसको मोदी ने तुम्हारे झंडे को छीनकर ये तिरंगा दिया है, उस तिरंगे की याद दिला रहे हैं? क्योंकि आपको बता दें, तिरंगा तो ये होता है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने भारत जोड़ो इस तरह से तिरंगा फहराने 15 अगस्त को किया था कि हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया था, जहां कश्मीर के आम लोग तिरंगा फहराया,
तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कश्मीर में जो कुछ होने वाला है, वो तो एक सबसे बड़ा खेल है। और वो खेल समझिएगा, वो खेल ऐसा खेल है कि देश को से ज्यादा, 21 दलों से ज्यादा, पाकिस्तान को एक मैसेज अपना देने का प्रयास करेंगे ये लोग कि आखिरकार देखिए, हम ये तिरंगे की बात करके चढ़ाए से हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं चिढ़ाने की बात, भड़काने की नीति। और कहीं ना कहीं हम देखें, सही बात है कि ये भड़काने की नीति इस तरीके से हो सकती है कि देखिए, जब मोदी ने लाल चौक पे और घर घर तिरंगा अभियान किया तो सिन्हा ठोक के किया, इन्होंने लड़ झगड़ के 370 हटाया, सब कुछ किया, जला कि महबूबा मुफ्ती जैसे पाक परस्त जो इन्हीं के साथी लोग हैं, इन्होंने कहा था कि खून बह जाएगा, चार कंधा भी नहीं मिलेगा तिरंगे को कंधा देने के लिए। और वही महबूबा मुफ्ती आज कहती है कि तिरंगा तो हमारे देश किसान है, वही राहुल गांधी कहते हैं कि हम तिरंगा लहराएंगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये देखने वाला कि आप तिरंगा लहरा के लोगों को दिखाना क्या चाह रहे हो, तिरंगा लहरा के आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप जनता को कुछ नहीं दिखा रहे हो, आप दिखाना दूसरी पार्टी को चाह रहे हो कि भैया तुम तो हार रहे हो यार, हमारी पार्टी जा ही रही है, तुम भी जा रहे हो हमारे देश। अब इसमें अगर इनको तिरंगा फहराना ही था तो आखिरकार राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में तिरंगा क्यों नहीं फहराया? तिरंगा देखिए, तिरंगा चल रहा है, तिरंगा लेके चल रहे हो अलग बात है, लेकिन श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे नारा दिया जा रहा है, किस दलों को बुलाया जा रहा है? आखिरकार कन्याकुमारी में जब शुरुआत हो रही थी तो वहां आपने नारा क्यों नहीं दिया कि तिरंगा हम फहरा रहे हैं? इस सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, ये ना जो प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का, ये दोगली दोहरी रणनीति है। मैं साफ अभी चला गया, अभी प्रोपेगेंडा को मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ। आप देखिए कि जब दीपावली थी, भारत जोड़ो यात्रा जब इनके शुरू हुई, दीपावली आई, नवरात्रे आई, गुरु नानक जयंती आया, कितना कुछ आया, इन्होंने एक दिन भी छुट्टी ली भारत जोड़ो यात्रा से। लेकिन जैसे ही 25 दिसंबर आया, क्रिसमस डे आया, न्यू ईयर आया, साहबजादे ने छुट्टी ले ली। आप इनका प्रोपेगेंडा दोगली दोहरी रणनीति का ऐसे ही समझ सकते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि धारा 370 नहीं हटनी चाहिए, दूसरी तरफ धारा 370 हटने के बाद ये पहुंचते हैं और कहते हैं हम झंडा लहरा रहे हैं, भारत एक कर रहे हैं। इनको अगर भारत ही एक करना था, माने जी, इनको जाना चाहिए था पीओके में झंडा लहरा, अरे ना जाते पीओके बॉर्डर पे झंडा लहरा के दिखा देते। इनके इतना बूता ही नहीं था, ना इनके पिछली सरकार में था। नेहरू ने देश गवाया, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी एमओयू साइन करके चली गई, फिर ये आए, ये भी एमओयू साइन करने लग गए। इन लोगों ने जब भी किए देश के टुकड़े, और आज भी देखिए, आज भी इनका प्रोपेगेंडा देश के टुकड़े करने ही है। आप देखिए कि तुम किस बेस पे भारत जोड़ो, हालांकि ये कहना चाह रहे हैं कि भारत धर्म से अलग है, जाति से अलग है, सोच से अलग है, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों से अलग है, लेकिन सही मायनों में अगर आप देखें तो धर्म वाला प्रोपेगेंडा भी इन्हीं की पार्टी ने खेला, जाति वाला प्रोपेगेंडा भी 1990 के दशक में इन्हीं की पार्टी ने खेला। उसके बाद इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम, सबसे ज़्यादा तो हिंदू मुस्लिम इन्होंने किया। देखिए, हिंदू मुस्लिम करने वाली बात है, आज से जब से 2014 से मोदी की सरकार आई है, हिंदू मुसलमान की अगर हम बात करें कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है। हिंदू मुसलमान सबसे ज़्यादा कब होता है? जब कहीं दंगा होता है, एक दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ता है, तो उसे दंगा कहने, कहीं उससे वो दंगा होता है। कहीं कोई दंगे नहीं हुए हिंदू मुसलमान को लेकर के, दिल्ली दंगा छोड़ दिया जाए, वो भी प्रायोजित था। सोनिया गांधी ने किस तरह से मंच से लोगों को उकसाया था वो सबने देखा था। और उसके बाद कहीं भी किसी प्रकार का कुछ आया, लेकिन इन लोगों का जब वक्त चाहे इन लोग आए, आखिरकार आपने हिंदुओं को किस तरह से एक कहीं ना कहीं एक चौराहे पैसे छोड़ा था। एक तो पाकिस्तान का बंटवारा करने के बाद उनको मुस्लिम राष्ट्र कर दिया, इसको सेकुलर बना दिया, उसके बाद आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर आए, आप वक्फ बोर्ड लेकर आए, आप कौन कौन सी चीज़ें नहीं आपने की जो कि सब कुछ मुस्लिमों के पक्ष में था, और हिंदुओं के पक्ष में आपने क्या किया? एक भी कानून बताइए जो हिंदुओं के पक्ष में था। वही मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं, वही मुस्लिम महिलाओं, क्योंकि इस्लाम में मुस्लिम को कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को कोई बराबरी का हक नहीं दिया था, ये बात साफ है। उनको मस्जिद नहीं जाने दिया था, उनको नहीं किया। तो उसी तरह कांग्रेस भी चल रही थी, वो इस्लामीकरण पर चल रही थी। वो ट्रिपल तलाक का मैटर था जहाँ महिलाएँ उच्चित थी, पूरी तरह से उससे ग्रसित थी, उस ट्रिपल तलाक पर अब तक कोई वो नहीं किया। लेकिन वहीं सती प्रथा को देख लीजिए, हमारे हिंदू राज में सती प्रथा छोड़ दी गई, बाल विवाह को लेकर के किस तरह से हमारे यहाँ बाल विवाह को छोड़ दिया गया, वो विवाह कहीं नहीं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए कि हिंदुओं को दबा करके मुसलमानों को उठा करके ये साफ तौर पर ये सब चीज़ खेला गया। और आज जहाँ 2014 से अब तक पूरी तरह से भारत एकजुट हो गया है, और भारत जुड़ चुका है, जहाँ तक जुड़ने का मतलब ये, अगर एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं, हर किसी को उसका हक मिल रहा है, तो अब राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, ये असल में कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। और दूसरा,
कांग्रेस जोड़ो यात्रा के अलावा जितने भी देश का टुकड़े टुकड़े गैंग है जो इस समय अब बिखर चुका है, आपने उनकी आशाएं इच्छाएं खत्म हो चुकी है कि अब हिंदुस्तान में आतंकवादी नहीं पनप सकता, उन सबको इन्होंने जान डालने की कोशिश की है, उन सबको जान डालने की कोशिश की है और यही प्रयास किया जाएगा 30 जनवरी को श्रीनगर के में जब लाल वो तिरंगा फहराया जाएगा, वो तिरंगा सिर्फ और सिर्फ ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि 370 वापस ले आएंगे, यानी कि तिरंगे से वहाँ से हटाएंगे और आज ये तिरंगा वहाँ फहराने की बात कर रहे हैं। साफ तौर पर ये देश कश्मीर में बड़ी साजिश की प्लानिंग की जा रही है। ये पार्टी एक बेहाया का पेड़ हमारे साइड में कहा जाता है, जिसको जितना भी तोड़ दो वही उगाता है, जितना भी तोड़ दो। तो इनका प्रोपेगेंडा जो है ना, ये टूटते भी रहेंगे ना मानसी, तो ये काम वही करेंगे। देखिए, पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम अलग अलग किया, भारत बांटा, उसके बाद हिंदू मुस्लिम बांटा, अब ये क्या कर रहे हैं, अब हिंदुओं को भी दो धड़े में बांट रहे हैं। अब इनके प्रोपेगेंडा के तहत अब हिंदू भी दो धड़े में बांट चुके हैं, एक हो चुके हैं सेक्युलर हिंदू, एक हो चुके हैं इनके हिसाब से भक्त हिंदू, ठीक है। एक तरफ वो इनके सपोर्टर हैं, तब और सेक्युलरिज्म का एक वो देखिए, मतलब एक हद देखिए कि इन लोगों ने सियाराम श्रीराम में अंतर बताना शुरू कर दिया सिर्फ इन्हीं के प्रोपेगेंडा की वजह से। दूसरे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता कैसे कैसे भाषण दे देते हैं, रामचरितमानस पे कैसा बयान दे दिया, उसके बाद इन्हीं के प्रोपेगेंडा की वजह से कई हिंदुओं को लगता है कि जैसे राम बोलने पे हिंसा हो जाती है, जैसे राम नहीं बोलना चाहिए। यही हिंदुओं से अगर हम पूछ लें, इनके सेक्युलर हिंदुओं से पूछ लिया जाए कि भैया जरा गायत्री मंत्र पूरा सुना, तो नहीं पता है लेकिन कलमा पूरा सुना देंगे ये लोग, खान पठान को इनको पसंद आएगा, लेकिन वहीं रामायण बन जाती है तो ये बोर होने लगते हैं। तो इन्होंने ये अपने ये खत्म हो रहे हैं मानस जी, लेकिन ये प्रोपेगेंडा वही बेहायक पेड़ की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा अभी भी फैला रहे हैं। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी पार्टी जोड़ने से ज्यादा काम इन्होंने इस देश के रह रहे हिंदुओं को तोड़ने का किया है, इस देश में हिंदुओं की मानसिकता को मतलब अलग अलग करने की कोशिश की है, तार तार करने की कोशिश की है, और इन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो हमारा धर्म है, जो हमारा शिष्टाचार है, उसको कैसे कुरीत मतलब कुप्रसंगित किया जाए, कैसे उसका गलत एडवर्टाइज किया जाए। ये सब चीज़ें हैं जो आप खुलकर, क्योंकि देखिए जब से मोदी सरकार आई सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव रहने लगे हैं, एक एक चीज़ें लोगों को पता चल रही है कि भाई ये चीज़ें हैं, देखिए इसका ये आउटकम है। अगर हम बात करें 2014 से, किसी को नहीं पता था कि कश्मीर, अगर आप सभी इस बात से वाकिफ है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया के रूप में लिखिएगा, क्या 2014 से आपको पहले पता था कि कश्मीर भारत से 370 कश्मीर को अलग करता है? मुझे लगता है 90% लोग इसमें नीचे आए, कमेंट बॉक्स में दिल से रख करिएगा, उनको नहीं पता होगा। उसके अलावा क्या आपको पता था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है? क्या आपको पता था मौलानाओं को सैलरी दी जाती है? क्या आपको पता था वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को आपके, अगर वो बंजर संपत्ति तो आपकी वो संपत्ति पर कब्जा कर सकता है केवल और केवल, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो? क्या आपको ये सब पता था? और क्या आपको पता था कि सीओके पीओके के बारे में आपको पता था कि भारत से किस तरह से अलग हुआ? नहीं पता था। जब से मोदी सरकार आई तब से इनकी बखेड़ियाँ उठी दी जा रही, मतलब इनकी बखेड़ियाँ अंदर से सच्चाई आँख सामने आ रही है, अब इनको दर्द हो रहा है। और इनको जो जिन लोगों ने देश को पूरी तरह से 1947 से लेकर के भारत के टुकड़े, सिर्फ 1947 में नहीं हुए, 1947 से लेकर आज तक भारत के कितने टुकड़े किए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े गए, कितने टुकड़े करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी ये अखंड कहीं ना कहीं भारत जो है ये आज का भारत है, और यह भारत को अब तोड़ने का अगर प्रयास किया गया तो आपने देखा जिस तरह से, मैं किसी पार्टी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जो है वो एक अच्छे देश कहीं ना अच्छे देश की निशानी होती है, कि राष्ट्रवाद उसके देश के लोग राष्ट्र को समझें तो इसलिए उसके देश की निशानी होती है। और यही सबसे हम आपको बता दें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस वीडियो के आखिरी तरफ बढ़ेंगे और आप सभी से चाहेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और जो कुछ होने वाला है 30 जनवरी को हम आपको बताएंगे, लेकिन सच यही है कि किस दलों के साथ ये हमें और आपको पूरी तरह से ये लोग धोखा दे करके पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ना चाह रहे हैं, और जो बची खुची आतंकवाद की कहने का कमर है वो शायद फिर से कश्मीर में ये लोग जगाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए 30 जनवरी को ये सब कुछ खेल हो रहा है। तो वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, बने रहिए वाली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।